नेक्स्ट ये कहता है देखो, और लिक्विड ऑक्सीजन हम लोग पास, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी कोरोना है हो गया है, ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो लिक्विड ऑक्सीजन 50 केल्विन पर हीटेड एट 300 केल्विन, 50 से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, हीटिंग कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। अगर देखो कोई भी चीज़ अगर हीट करते हो, हमने टेम्परेचर बढ़ाया 50 से 300, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें कौन सा टेम्परेचर वेरिएशन कांस्टेंट है। अब अगर आप वाटर को हीट करते हो तो आप याद करो कि अगर हमने पढ़ाया था कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम हीट करोगे किसी भी चीज़ को, अगर हीट करोगे जैसे वाटर है, तो सबसे पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये ग्राफ बढ़ेगा यार। उसके बाद जो है वाटर है, वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो उसके बाद हीट एनर्जी दोगे तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है, गैस में बदलेगा, और जब हीट एनर्जी दोगे तो वो हीट एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता, गैस स्टेट चेंज करने में यूज होता है, तो वहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। फिर अब जब पूरा गैस बन जाएगा फिर टेम्परेचर दोगे तो फिर अपना गैस जो बना वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले जब टेम्परेचर, पहले हीट एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो सिर्फ एक ही में है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये सही है, ये भी मतलब ए ऑप्शन सही है। जब हम देख रहे हो जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब एक लिमिट तक जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर दूसरा स्टेट आ गया लिक्विड से गैस आ गया तो गैस अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है।